खेमकरण पुलिस ने ऑल्टो कार सवार दो युवकों से 220 ग्राम हेरोइन, 25,000 रुपए की भारतीय करेंसी व एक कंप्यूटर कंडा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह ने बताया कि एसएसपी दर्शन सिंह मानवा, डीएसपी भिकी विंड सुलखन के सिंह के निर्देशों पर वह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि क्षेत्र में कार सवार युवक हेरोइन का धंधा करते हैं। अब वह क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर उन्होंने पुल ड्रेन दूहल कोहना नाकाबंदी कर दी। इस मौके पर एक ऑल्टो कार नंबर PB46T4206 को रोककर उनकी तलाशी ली तो कार से उक्त सामान बरामद हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपनी पहचान तरसेम सिंह निवासी अमरकोट व हरजिंदर सिंह निवासी सुरसिंह के रूप में बताई। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस और पूछताछ करने में लगी हुई है, जिनसे कई अहम खुलासे होने की संभावना है। थाना प्रभारी मनजिंदर सिंह ने बताया कि भारत पाक सीमा पर गेहूं की कटाई के दौरान खेतों में मिले एक सैंडल से 170 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। भिकविंड से भूपिंदर सिंह, आजाद टीवी न्यूज। मानयोग एसएसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार अते जड़ी पंजाब सरकार वालों नशा खत्म कर दी मुहिम चलाई गई तहत डीएसपी साहब की अगुवाई हेठ कल पीएसए रविशंकर के पुलिस पार्टी समेत स्पैशल नाकाबंदी की गई सी ड्रेन पुल दूर कोला के नेड़े, जिथे एक सिल्वर रंग की अल्टो कार अचानक आ के घबरा के वो मुड़ के पुलिस पार्टी देख के भजन लगे, जिन्होंने पुलिस पार्टी ने काबू किया। काबू करके उन्होंने तरसेम सिंह इलियस शेरा वासी अमरकोट, हरजिंदर सिंह वासी सुर सिंह वाला, शेरा तरसेम सिंह शेरा दे कोलों 200 ग्राम हैरन, 25,000 रुपया नकदी जोड़े उन्होंने ड्रग मनी से उन्होंने वेच के उन्होंने पिछले किसी ग्राहक में दे के आए थे वो बरामद हुई है। एक अल्टो कार, दूजा जो हरजिंदर सिंह है उस पासों 20 ग्राम हैरोन ते कंप्यूटर कंडा छोटा समान जो वेइंग मशीन सी छोटी वो बरामद हुई है। इन्हों के खिलाफ 21 NDPA एक्ट का मुकदमा दर्ज करके अज पेश अदालत किया जाना है, उस तो बाद रिमांड लिया जाऊगा। अगली जो भी खुलासे होंगे कितों लिया किनू किनू वेचते हैं।